टोयोटा ने हमेशा से क्लीनर एनर्जी पे फोकस किया है और इस बार भी उनका कुछ ऐसा ही मकसद है। ये है एक हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ी, डिटेल बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू ऑटो एक्सपो 2023। मेरा नाम ऋषभ और आज हम बताने वाले हैं इस टोयोटा H2 कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली ये करोला क्रॉस है और ये एक टेस्ट पे अभी व्हीकल चल रहा है जिसपे जो फ्यूल है वो एक हाइड्रोजन गैस से चलती है। दो दो टैंक होंगे जिनमें स्टोर किया जाएगा। 70 MPa की कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी नहीं सॉरी प्रेशर रहने वाला है। एंड ये एक इंजन जो है वो काफ़ी पावरफुल इंजन आने वाला है। अब दिस इज़ अ 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल चार्ज और वो भी 6 सिलेंडर वाला इन लाइन। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंजन। पावर फिगर्स आर स्टिल येट टू बी कवर्ड बिकॉज ये अभी एक कॉन्सेप्ट वेरिएंट है, पावर फिगर्स जल्दी आएंगी। बट द मेजर पॉइंट इज हाइड्रोजन फ्यूल पे, यानी कि हाइड्रोजन गैस पे चलते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्लीनर इन्वायरमेंट के रहते हैं, इन्वायरमेंट को भी काफ़ी बचा के रखेंगे। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो और बताऊंगा एंड द एंड ऑफ दिस वीडियो की आपको ये इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, और प्राइस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो ऑफकोर्स LED ही आपको हेडलैम्प सेटअप, बैरल वाला प्रॉपर सारे DRL सेटअप मिलने वाला है, कंप्लीट LED। फॉग लैम्प हाउसिंग है लेकिन फॉग लैम्प प्रेजेंट नहीं है, तो प्रॉबेबली जब इंडिया में इसको प्रोडक्शन रेडी मॉडल होगा तब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी बड़ी लगती है दिस, कहीं ना कहीं ये थोड़ी थोड़ी हाई क्रॉस जैसी आपको लगने वाली है, हाई क्रॉस का मिनी वर्जन। बट हाँ, लुक थोड़ी वैसी ही बोल्ड रखने की कोशिश की गई है। टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल नाउ, जो ये वाला व्हीकल है टोयोटा की तरफ से, इसमें देख सकते हो, मुझे लगता है ऑटो एक्सपो में एक लौता ऐसा व्हीकल है जिसमें अलॉय व्हील्स है ही नहीं, स्टील व्हील्स हैं विद व्हील कवर। अब बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट प्रॉबली यूज़ किया जाएगा कैब्स में, तो इसे एक अफोर्डेबल व्हीकल की तरह बनाया जाएगा। ये मेरा अनुमान है, मेरा ओपिनियन, मेरा एक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कह सकते बट हाँ एक जजमेंट कह सकते हैं। व्हील साइज़ भी कुछ ज़्यादा बड़ा आपको नहीं मिलने वाला लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। अलॉयज ऑफकोर्स अभी कभी कभी करवाना चाहो तो करवा ही पाओगे, ब्रिजस्टोन की तरफ से ये टायर्स प्रोवाइडेड हैं। और 17 इंचेस का इसका वैसे व्हील साइज़ है, 215/60 सेक्शन आपको मिल जाता है। व्हील आज तो अच्छे खासे साइज़ का, हालांकि ये किस कलर में नहीं आएगी बिकॉज ये तो इंजन उन्होंने दिखाया है कि कम्बशन किस तरीके से हो रही है। बट कमाल की बात ये है कि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ा सा वो मेरे को अनयूजुअल सा लग रहा है। देख सकते हैं कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बल्कि आप की से ही इसको ऑन या ऑफ का सॉरी लॉक या अनलॉक करोगे, विच मीन्स ऑफकोर्स ये ज़्यादा अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में होने वाली है। इंटीरियर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कैमरे में तो दिखाना चाहूँगा कि बेसिक आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, साथ में एक छोटी स्क्रीन, और जो ट्रांसमिशन भी है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोवाइडेड है, और कुछ फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 6-speed मैनुअल और IMT ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने वाली है, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो भी काफ़ी कन्वीनियंट बना देगी ड्राइवर्स जो ज़्यादा चलाना चाहेंगे। बिकॉज ये अब इस तरीके का ही व्हीकल है, यानी कि हाइड्रोजन वाला है, लोग इसको ज़्यादा चलाएंगे ताकि फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ ये क्लीनर एनवायरनमेंट भी मेंटेन करके रख पाए। बाकी लुक वाइज तो डेफिनेटली थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी या बुरी कहना मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल। रैप अराउंड ही आपको टेल लैंप्स मिल रहे हैं विद ऑल LED ट्रीटमेंट, नीचे की तरफ भी आपको LED ही मिल रहे हैं। आई थिंक इंडिकेटर जो है वो बल्ब है, एंड बाकी नीचे सिर्फ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, किस तरह का कोई रियर फॉग लैम्प नहीं है। रियर कैमरा इस तरफ, वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, कोई हाई स्टॉप लैम्प नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और शार्कवन एंटीना ऑफर किया जाता है। और डिफरेंट तरह के लोगों के लिए व्हीकल बनाया गया, मुझे लगता है कि इंडिया में अगर आया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप शायद इस कैमरे के फ्रेम में देख पाएँ कि अंदर आपको एक हाइड्रोजन टैंक जो है वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि सीट के नीचे रखा गया, जहाँ पर इसका सारा जो हाइड्रोजन है वो स्टोर किया जाएगा और प्रेशर रहेगा 70 MPa। अब ओवरऑल मेरा ओपिनियन इस व्हीकल को लेके ये है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया, और अगर कभी लॉन्च हुई भी इंडिया में तो ज़्यादातर फ्लीट वाले इसको यूज़ करेंगे। बिकॉज जिस तरह के इसके फीचर्स हैं, जिस तरह की इसकी ड्राइवेबिलिटी रहने वाली है, जितना मुझे समझ आ रहा है इसके इंजन, इसके ट्रांसमिशन, इसकी पावर को देखते हुए, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्लीट व्हीकल। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने बहुत सारी ऑटो एक्सपो की और सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उसे ज़रूर चेकआउट कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। और वैसे भी सर्च करेंगे ऋषभ अरोड़ा ऑटो एक्सपो 2023 तो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस न्यू करोला क्रॉस H2 कॉन्सेप्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।